कराची मलीर में कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। हलीम आदिल शेख के कजन का फार्म हाउस गिराने के लिए ऑपरेशन। सुपर हाईवे पर 200 फार्म हाउस गिराए जाएंगे। हलीम आदिल शेख का कहना है कि अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद कार्रवाई की जा रही है। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कोरोना की नई किस्म में भी इंतहाई मौसर। वैक्सीन पुराने वायरस के खिलाफ 84%, नई शक्ल B.1.17 के खिलाफ 75% कारगर। ट्रायल के दौरान माहिरीन का इंकशाफ। क्या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का बयानिया बदल गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कश्मीरियों को बड़ा ऑप्शन देने का वादा। मुस्तकबिल में आजाद रहने या पाकिस्तान का हिस्सा बनने की पेशकश। लॉन्ग मार्च नहीं कर सकेंगे, ये थोड़ी लंबी उन्होंने टाइम इसलिए रखा है कि वो भी जान छुड़ाना चाहते हैं। पहले इस्तीफे कह रहे थे, इस्तीफे नहीं दिए, फिर कह रहे थे हम लड़ाई करेंगे, उसमें नाकामी हुई और अब ये जो लॉन्ग मार्च से कह रहे हैं 26 मार्च बहुत पहले EDM जो है वो बिखर जाएगी। लॉन्ग मार्च नहीं होगा, 26 मार्च से पहले PTM बिखर जाएगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का प्रोग्राम दस्तक में दावा। कहते हैं ऑपोजिशन जैसी सियासत करेगी हम वैसे ही करेंगे। लंदन की अदालत में शहबाज शरीफ के हक में फैसला। जस्टिस मैथ्यू निकलन ने डेली मेल में लिखे गए अल्फाज को शहबाज शरीफ की हत्या की इज्जत करार दे दिया। डेली मेल के वकला का शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात मफरूजों पर मबनी होने का एतराफ। आमदन से जायद असासों के इल्जाम में राना सनाउल्लाह की अबूरी जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। राजनपुर के इलाके कोहमाड़ी को मरी जैसा बनाने का मिशन। वजीर आला पंजाब उस्मान गुजदार ने कोहमाड़ी में सियाहती मकाम बनाने के मनसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। सड़कों का जाल भी बिछाया जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट का ख्वाजा सराओं को आम शहरियों की तरह हकूक देने का हुक्म। ख्वाजा सराओं के हकूक का तहफ्फुज़ हुकूमत की इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है। इदारे ख्वाजा सराओं से इम्तियाजी सलूक न करें, अदालत का तहरीरी फैसला जारी।